IPL 2020 की शुरुआत मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले से हुई थी, जिसमें धोनी की टीम ने अंबाती रायडू की धमाकेदार पारी के दम पर मुंबई को मात दी थी और बेशकीमती 2 अंक हासिल किए थे। ऐसी शुरुआत के बावजूद चेन्नई लड़खड़ा गई है और इस वक्त पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर है। इस सीजन धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम 14 पॉइंट्स के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर है। दिल्ली को 10 मुकाबलों में से 7 में जीत मिली है। IPL 2020 में अब तक 7 मैच जीतने वाली दिल्ली इकलौती टीम है। दिल्ली का अगला मुकाबला शनिवार को KKR के साथ होना है। ऐसे में दिल्ली को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए KKR को हराना होगा। दूसरी टीमों की बात करें तो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खाते में 12-12 पॉइंट्स हैं, जबकि KKR के खाते में 10 पॉइंट्स हो गए हैं। वहीं 5वें नंबर पर किंग्स 11 पंजाब है, 6ठे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स है, 7वें नंबर पर हैदराबाद है और 8वें नंबर पर धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स मौजूद है। नीचे क्रम में रहने वाली टीमों को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने हर मुकाबले को जीतना जरूरी होगा। सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स 11 पंजाब, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स 4 ऐसी टीमें हैं जो आने वाले मैचों में सभी को हैरान कर सकती हैं। पंजाब और राजस्थान की दमदार वापसी से प्लेऑफ की जंग और भी मज़ेदार हो गई है। KR राहुल की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब ने रविवार को खेले गए डबल सुपर ओवर वाले रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराया था। इस जीत के साथ ही पंजाब के खिलाड़ियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। पंजाब की टीम ने फिर दिल्ली को भी पटकनी दी। पंजाब का सामना अब शनिवार को हैदराबाद से होना है। पिछले कुछ मैचों में पंजाब की टीम ने सबसे नीचे से उठकर ऊपर की ओर छलांग लगाई है। IPL के 13वें सीजन की फीलिंग बिल्कुल अलग है। पहली बात तो यह टूर्नामेंट भारत के बाहर UAE में आयोजित हो रहा है, दूसरा स्टेडियम में फैंस की एंट्री पर पाबंदी है। ऐसे में घर बैठे लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ में पहुंचेंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने लय हासिल कर ली है और बुधवार को होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले में सितारों से सजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पहले चरण में मिली हार का बदला चुकता करने उतरेगी। दूसरी तरफ RCB की टीम KKR से 2 अंक आगे है और राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराने के बाद अंक तालिका में 3रे स्थान पर चल रही है। डिविलियर्स शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और रॉयल्स के खिलाफ 22 गेंदों में नाबाद 55 रन की पारी खेलकर उन्होंने अकेले दम पर टीम को जीत दिलाई है। कप्तान कोहली भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना चाहेंगे, जिससे टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। आप भी बताइए अपने विचार, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।